next day. बहुत ही प्यारा व्यू है चन्नत। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जिन लोगों को मदद के नहीं पता है कि मैं कहाँ की व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर व्लॉग का देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। और ये नेक्स्ट डे हो चुका हुआ है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। बहुत ही मज़ेदार सा इनका ब्रेकफास्ट था। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इन सिटीज़ में ज़्यादातर ये अंडा पराठा और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे यही किया था और सब चाय पी थी, कीमा खाया था और बहुत ही मज़ेदार सा इनका नाश्ता था। मैं तो लोगों को प्रेफर करूँगी कि वो इस जगह पे आएँ और यहाँ का मतलब ब्रेकफास्ट करें। और ये अब हम लोग जा रहे हैं सवाद से मालम चब्बा की तरफ, और फिर मैं आपको वहाँ पर जा कर दिखाऊँगी कि व्यू कैसा है। और हमें जाते हुए तो टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ का और वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा सवाद से मालम जब्बा का। और ये रास्ते में देखें कितना प्यारे से व्यू है और बहुत ही मज़े का मंजर था। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जा रहे थे तो बर्फ़ मतलब के नज़र आ रही थी और ग्लेशियर टाइप बने हुए थे, रोड पे बर्फ़ थी। और जब जब मतलब के ऊपर की तरफ जाते जाएंगे बर्फ़ ज़्यादा होती जाती है। और मनासिर इतने अच्छे थे और ये कैप्चर भी किए हैं और ये दिल में भी कैप्चर हो गए, इतने अच्छे व्यू थे। देखो 2 hours later. और जिसकी लिए चेयर लिफ्ट बंद है, जिप लाइन बंद है, स्किंग और टूटना कोई मसला ही नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना। और ये जो यहाँ पे है ना मतलब कि गाड़ी नहीं लेकर आ सकते हैं, ये यहाँ पे ना चेन लगी हुई है। अगर आप गाड़ी भी लेके ना चेन चढ़ा के लेके, क्योंकि इसकी वजह से ना इंसान तो स्लिप हो रही, गाड़ी भी स्लिप हो रही। हाँ, मतलब कि स्नो की वजह से। और नेक्स्ट जमीन पे देखो, ये यहाँ पे अभी हम स्वाद गए थे वहाँ पर, उसका भी आपको व्लॉग अभी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ना वो जो झील वगैरह थे वो सारे फ्रीज हुए हुए थे ड्यू टू कोल्ड। एंड ये जो मतलब कि जिस प्लेस पे हम लोग हैं, ये आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दें कि हम लोग मलान जब्बा में है। कहाँ पे हम लोग? मलान जब्बा, मालन जब्बा के मलान जब्बा। और ये देखिए यहाँ पे ना ये स्टॉल्स भी लगे अभी आपको आगे, ये देखें ये यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। मतलब कि ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे और आपको कुछ मतलब कि खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, ये यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बट ये है कि छोटे बच्चे नहीं आए और बस बड़े, ये शूज़ मतलब के स्केटिंग के लिए या ये स्नोफॉल पे चढ़ने के लिए। और ये मैं आपको और आगे से भी दिखाती हूँ, ये स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये अब बर्फ़ में फंस चुकी हुई है इस टाइम। ये आप भी मजा नहीं आएगा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और नूर मेरे पे बर्फ़ मारती जा रही है। अब मैं बिहाइंड द सीन तो दिखा नहीं सकती आपको, और ये नूर सिर्फ बर्फ़ उठा उठा के मारती जा रही है। सो लेट्स गो फॉर फाइटिंग विद नूर। और ये नेक्स्ट नूर देखते हैं किसको शिकार बनाती है और किसके साथ क्या करती है। लुक एट दिस। और मामा को हम लोगों ने बैठा दिया हुआ है क्योंकि उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और ये मेरे ऊपर स्नो आ रही है, मतलब कि ये बर्फ़ मार रहे उठा उठा के सारे, माशाल्लाह। वी आर पाकिस्तानी। ये लुक एट दिस, ये यहाँ पे मूवमेंट है कि ये जाने नहीं और दे रहे हैं, हमें रोक लिया गया है क्योंकि वो रास्ते उन्होंने बंद किए हुए स्नो की वजह से, और वो अलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें मतलब कि स्नो नहीं हो रही है इस टाइम, लेकिन ना मतलब स्नो भी थोड़ी बहुत थोड़ी, लेकिन जो पहले स्नो हुई है ना वही इतनी ज़्यादा है। ये देखें ये ग्लेशियर टाइप जो बने हुए, ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ ना, बर्फ। ये देखो बर्फ, हाँ ये बर्फ, ये देखो बर्फ। आप इस टाइम देख रहे फील कर, इमेजिन करें हम भी आए, इंशाल्लाह आप भी। हाँ, और जो जो आना चाहता है वो आ सकता है भाई। ये देखें ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, इन्होंने हमें रोक लिया और हम लोग वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे, यहीं पे इंजॉयमेंट करेंगे, आगे तो नहीं जा सकते बर्फ़ की वजह से। और ये देखें यहाँ पे रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय इट एंड फील इट। लुक एट दिस, ये यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही है लेकिन ये खुद ही उठा उठा के बर्फ़ से इंजॉय कर रहे हैं।
ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें भाई, बर्फ। और यहाँ पे भाई आप गाड़ी नहीं लेकर आ सकते हैं। लुक एट दिस, सहूलतें यहाँ पे सारी हैं। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जन्नत है। हाँ, तो मैंने वैसे सचमुच को अभी तक दूसरी कंट्रीज के अंदर इतनी ब्यूटीफुल प्लेस देखी नहीं है। और ऊपर से आज हम आए, हम कितने लकी हैं कि स्नोफॉल भी हो रही है। और मतलब कि हम लोग पहले नीचे रुके थे, वहाँ पे भी स्नो नहीं थी, और रुके उतरे और साथ ही मतलब कि स्नो बिल्कुल अच्छी वाली होना स्टार्ट हो गई है। और अब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप खुद वेदर चेक करें कि क्या है, और एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या मतलब कि कितनी सर्दी है। लेकिन ये है कि इंजॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है कि मतलब कि आप थोड़ा सा रास्ता चल जाओ ना तो आपके पूँव चलने से छोड़ देंगे कि नहीं। हाँ, अब नहीं हम चल, बिल्कुल सुन लो, पर मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब कि वेदर ऐसा है, और ये आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं जो मतलब कि आए हुए हैं विजिट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आके पता चला कि लोग जितनी बच्ची छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। लेकिन मतलब कि बच्चों से तो वैसे करना चाहिए कि उनको नहीं लेकर आना चाहिए। ये मैं खुद प्रेफर करूंगी, बहुत ही मजे का वेदर है, बहुत आई लव ये। हाँ, और मैंने जितनी ना था ना, मैं जितनी देर से कह रही थी ना कि मैं जाना है तो आ जाके मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। पर मेरा अभी भी दिल है कि काश हम एक दिन ऑस्ट्रिया गए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिनको हमारी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमारी आवाज़ कम आ रही है, तो वो ये है कि मतलब कि हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ वीडियो कैप्चर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो आप कैमरा पकड़ा हुआ है, थोड़ी देर ही हुआ कैमरा पकड़े, लेकिन हाथ बिल्कुल ही सुनसे हो गए। तो ये देखे ये उमर हमें मजाक उड़ाता हुआ हमारा जेलस पीपल्स। और वो चलो के ये है। और ये चेक करें यहाँ का व्यू, ये देखें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये देखें क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। और ये नूर की जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया हुआ है, बहुत इंजॉयमेंट। और ये यहाँ पे पता नहीं किसकी बर्थडे हो रही है, और मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, और ये मैं यहाँ पे इनकी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि भाई यहाँ पे इनकी वीडियो बनाएंगे, पिक्चर लेंगे और मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है इन लोगों को। ये देखिए ये देखें ये वीडियो बन रही है, और ये इनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। क्योंकि तुम्हारी बर्थडे भी यहीं पे सेलिब्रेट करनी है क्या? आइए, पता नहीं कौन है लोग आए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये देखें ऐसे भी होता है, ये देखें ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ भाई यहाँ पे क्या मंजर है, क्या मनाजिर है। लुक एट दिस मोमेंट, ये देखें ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में देखा है। ये मैंने मतलब के वैसे ही देखा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि आज मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे कदम रखना बहुत मुश्किल है। आ रही हूँ।